हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संजीव पिनारा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल IBPS गाइड में। तो आप RRB NTPC 2019 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, ये आपके बेसिक सेशन है। आज आपका डे नंबर टू। तो आज हम रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको डेली बेसिस पे GK, जिसमें आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग के टॉपिक्स कवर कराऊंगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले सिलोगिज्म, जिसके बारे में कहीं ना कहीं एग्जाम में आपने काफी क्वेश्चन देखे होंगे और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आप पेपर उठा के देखोगे तो इनमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट गिवन है, फिर आपके पास एक कंक्लूजन, ठीक है, यानी कथन और निष्कर्ष। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जो भी डेटा आपका स्टेटमेंट का उसको एक वेन डायग्राम के फॉर्म में आपको बनाना है, उसके बाद कंक्लूजन देखना कि कौन कौन सा फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को टिक करना। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल कीज आर लॉक, यानी जितनी भी कीज है वो सभी के सभी एक लॉक है, ठीक है, यानी क्या है आपके ताला है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसको बनाओगे कैसे, जो कीज वगैरह, लॉक वगैरह, ये वर्ड है ना, इनको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। जैसे क्या कहा था, ऑल कीज आर लॉक, तो ऑल की आर लॉक, तो मैं इसको ऐसे डायग्राम बना दूंगा, ठीक है। की को मैंने KL डिनोट कर दिया, लॉक को मैंने L डिनोट कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, ऑल लॉक्स आर कैमरा एंड ऑल कैमराज आर CCTV, यानी जितने भी लॉक्स हैं यहाँ पे सभी सभी क्या है, कैमरा है। तो मैं यहाँ पे उसको कैमरा यानी C से डिनोट कर देता हूँ, CAMER, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब क्या कह रहा है, सभी के सभी कैमरा क्या आपके CCTV है, तो सभी के सभी जो कैमराज हैं वो क्या है, CCTV है। तो मैंने यहाँ पे आपको CCTV मेंशन कर दिया। इतना क्लियर है कि नहीं, बताइए। ये बन गया आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम CCTV इज लॉक, कुछ CCTV लॉक है क्या। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है, कोई भी आपका डायग्राम है जैसे कि ये केस है, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो हमेशा क्या केस बनेंगे, ऑल और सम का दोनों का केस बनेगा, ठीक है। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो सिर्फ सम का केस बनेगा, यानी कुछ का केस बनेगा या सभी और कुछ, ठीक है। ऊपर की तरफ, ऊपर और नीचे से आप क्या समझे, अगर आपसे पूछा जाए ऑल कीज आर CCTV तो बन सकता है, ऑल कीज आर लॉक, ऑल कीज आर कैमरा, ये सभी के सभी पॉसिबल है। यानी अगर नीचे वाली जो वैल्यू है इससे ऑल ऊपर पूछे कोई भी टर्म तो आप बता सकते हो ऑल बनेगा। अगर सम भी बन सकता है और ऑल भी बन सकता है ऊपर की तरफ, बट ऊपर से नीचे आओगे ना तब सिर्फ सम बनेगा। मतलब अगर आपसे कहे जैसे कि इस क्वेश्चन में है, सम CCTV इज लॉक, यानी सम CCTV, यानी ऊपर से कहां से आया, नीचे की तरफ, यानी CCTV ऊपर है, पहला वर्ड जो CCTV यूज हुआ वो ऊपर है, फिर लॉक नीचे है, तो इसमें हमेशा क्या केस बनेगा, सम। इसने क्या कहा, सम CCTV इज लॉक, बिल्कुल डेफिनेटली बन सकता है, तो ये स्टेट आपका कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सम कैमरा इज की, कुछ कैमरा है वो की है क्या, सम कैमरा इज की, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आया ना कैमरा, यहाँ पे है की नीचे है, तो यानी ये भी आपका सही केस बन जाएगा, ठीक है, कुछ कैमरा की है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम CCTV इज की, सम CCTV इज की, बिल्कुल सम CCTV की हो सकते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर के नीचे में आपका सम का केस बन सकता है, तो डेफिनेटली यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट है यहाँ पे आपके फॉलो करेंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट फॉलो करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछिए इस क्वेश्चन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ऑल टेबल्स आर मिरर, जितनी भी टेबल्स हैं सभी के सभी मिरर है, तो ये हो गई आपकी टेबल और सभी के सभी टेबल क्या है, आपकी मिरर है, तो यानी मिरर मैं यहाँ पे डिनोट कर दे, सभी के सभी जो टेबल है वो क्या आपकी मिरर है, तो ये आपका यहाँ तक बन गया। आप आगे क्या कह रहा है, सम मिरर इज फोटोज, यानी कुछ मिरर हैं फोटो हैं, तो कुछ मिरर हैं वो यहाँ पे आपकी फोटोज हो जाएंगे। अब आगे क्या कहा, ऑल फोटोज आर ग्लासेज, यानी सभी के सभी जो फोटोज हैं वो ग्लास है, तो यानी सभी के सभी जो फोटोज हैं वो क्या आपकी ग्लास है, तो मैंने यहाँ पे आपकी मेंशन कर दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम ग्लासेज आर मिरर, कुछ ग्लासेज मिरर हैं क्या, डेफिनेटली हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो यानी ये वाला हिस्सा तो आपका मिरर हो सकता है ना, तो सम ग्लासेज आर मिरर, तो डेफिनेटली आपका सही हो जाएगा। अब आगे कह रहा है, सम फोटोज आर टेबल, यानी कुछ फोटो है वो टेबल होंगी क्या, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि देखिए फोटोज आपका यहाँ पे है और टेबल आपका यहाँ पे है, तो एक दूसरे से कैसे रिलेट करें, एक दूसरे के बीच कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये हो जाएगा आपका गलत। थर्ड क्या कह रहा है, सम मिरर इज टेबल, कुछ मिरर है वो टेबल है क्या, कुछ मिरर
है वो टेबल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ऊपर से नीचे की तरफ सम और ऑल दोनों के सम बनेंगे, तो यानी आपका क्या सम बन रहा है। तो कुछ मिरर टेबल है क्या? ये वाला तो हिस्सा तो टेबल ही है ना, तो ये तो मिरर का हिस्सा टेबल ही बन सकता है, यानी फॉलो करेगा। ठीक है, यानी फर्स्ट और थर्ड है ये दोनों आपके यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ऑल कैलकुलेटर आर बॉक्स, यानी सभी के सभी जो कैलकुलेटर है वो बॉक्स है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेटर, यानी सभी के सभी कैलकुलेटर क्या है आपके यहाँ पे बॉक्स है, तो यहाँ पे उसको बॉक्स बना दिया गया। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए ऑल बॉक्सेस आर पजल्स, यानी सभी के सभी जो बॉक्स हैं वो पजल होंगे, तो यानी पजल्स ऊपर मेंशन कर दीजिए, यानी सभी के सभी जो बॉक्स हैं वो आपके पजल हो जाएंगे। क्लियर है, अब आगे देखिए सम पजल्स इज ए मशीन, कुछ पजल हैं वो मशीन है, तो पजल हो गई ये, और मशीन यानी हम के नाम से उसको पुट कर देते हैं, तो ये बन गया आपका वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन चेक कीजिए, फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम मशीन्स आर बॉक्स, कुछ मशीन है वो बॉक्स होंगी क्या? देखिए मशीन है यहाँ पे, ये बॉक्स है यहाँ पे, इनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। ठीक है, मशीन का तो आपका कोई भी पजल के साथ, मशीन का और कोई भी बॉक्स के साथ कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा ना, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, यानी पहला हो जाएगा यहाँ पे गलत। सेकंड क्या कह रहा है, सम पजल इज कैलकुलेटर, कुछ पजल से वो कैलकुलेटर है, बिल्कुल डेफिनेटली मैंने कहा था ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हमेशा सिर्फ सम का केस बन सकता है, तो यानी आपका डेफिनेटली सही होगा। अब क्या कह रहा है, ऑल पजल सेल कैलकुलेटर, ऑल पजल सेल कैलकुलेटर नहीं बन सकता, मैंने कहा था ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए सिर्फ सम का केस बनेगा, किसका केस बनेगा, सम का, तो यानी थर्ड वाला हो जाएगा यहाँ पे गलत, तो ओनली सेकंड फॉलो, तो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑल हाउसेस आर रूम, यानी कि जितने भी हाउस हैं वो सभी के सभी क्या है, रूम है, तो हाउस है तो उसको मैं डिनोट कर देता हूँ एच से, वो सभी के सभी हाउस हैं वो क्या है आपके रूम है, तो यानी कि मैं यहाँ पे इसको रूम से डायग्राम बना देता हूँ, ये हो गया आपका रूम, यानी कि सभी के सभी हाउस क्या आपके रूम है। ठीक है, और आगे क्या कहा, ऑल रूम्स आर होटल, यानी सभी के सभी रूम्स क्या है फिर से आपके होटल है, तो यानी ऑल रूम्स आर होटल, तो होटल को मैं एच ओ टी ई एल टी ई एल लिख देता हूँ, ताकि आपका, क्योंकि हाउस और रूम के बीच, हाउस और होटल के बीच आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, यानी सभी के, और अब आगे क्या कह रहा है, ऑल होटल्स आर रेस्ट रूम, यानी सभी के सभी जो होटल हैं वो क्या है आपके रेस्ट रूम है, तो यानी सभी के सभी होटल्स हैं यहाँ पे वो क्या है आपके रेस्ट रूम है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इसको रेस्ट रूम। अब इसने क्या कहा, सम रेस्ट रूम आर इज ओयो, यानी कुछ रेस्ट रूम है वो क्या है आपके ओयो हैं, तो यहाँ पे ओयो आपका मेंशन होगा, तो इस तरह से कुछ आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब क्या कह रहा है, कंक्लूजन चेक कीजिए, सम ओयो इज रूम, कुछ ओयो है वो रूम है क्या? बिल्कुल नहीं है, रूम तो आपका यहाँ पे रह गया, तो यहाँ वाले और ओयो के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं, हाँ रेस्ट रूम होता तो चल जाता, बट ये तो रूम्स है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम रेस्ट रूम इज हाउस, सम रेस्ट रूम इज हाउस, मैंने क्या कहा था ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए सिर्फ किसका केस बनेगा, सम, और ये किसका केस है, सम का है, तो यानी डेफिनेटली सही होगा कि सम रेस्ट रूम इज हाउस, तो ये आपका सम रेस्ट रूम इज हाउस ट्रू होगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम होटल इज रूम्स, कुछ होटल है वो रूम होंगे कि, बिल्कुल होटल है ऊपर रूम है नीचे, तो यानी डेफिनेटली ऊपर से नीचे आते हुए सम का केस बनता, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी ओनली सेकंड एंड थर्ड आपका फॉलो करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल द मंकीज आर पैरेट, यानी सभी के सभी जो मंकी हैं वो क्या है आपके पैरेट हैं। ठीक है, क्या है वो पैरेट, तो मैं पैरेट को पी से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, नो पैरेट इज क्रो, कोई भी पैरेट है वो क्रो नहीं है, यानी पैरेट और क्रो के बीच में कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे आपकी नहीं बन रही। अब क्या कह रहा है, सम क्रो इज हॉर्स, कुछ क्रो है वो क्या है आपके हॉर्स है, तो मैं उसको एच से डिनोट कर रहा हूँ, यानी हॉर्स है। अब आगे क्या कह रहा है, ऑल हॉर्सेस इज टाइगर, यानी सभी के सभी हॉर्स हैं वो क्या है आपके टाइगर है, यानी सभी के सभी जो हॉर्स हैं वो क्या आपके टाइगर, यानी टी से उसको डिनोट कर देते हैं। अब आगे क्या कह रहा है वो देखिए, कंक्लूजन में सम टाइगर इज पैरेट, क्या कुछ टाइगर है वो पैरेट होंगे, टाइगर और पैरेट, देखिए टाइगर और पैरेट के बीच में यहाँ पे पहले तो देखिए कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे आप देख रहे हो क्रॉस का साइन है, लेकिन वो सिर्फ किसके बीच में है, पैरेट और क्रो, लेकिन सम की बात हुई ना कि सम पैरेट, सम टाइगर इज पैरेट, तो सम तो अभी नहीं है, पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि 100% नहीं होगा, अगर यहाँ पे लिखा होता कि सम टाइगर आर पैरेट इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ डेफिनेटली पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, लेकिन इसने कहा कि सम टाइगर और पैरेट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, सम क्रो इज मंकी, कुछ क्रो है वो मंकी होंगे क्या, क्रो और मंकी के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
थर्ड है नो टाइगर इज पैरेट, नो टाइगर इज पैरेट, तो ये भी कोई पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आपके दो केस देखने को मिलेंगे आइदर का केस, क्योंकि देखिए फर्स्ट में क्या कहा था इसने, सम टाइगर आर पैरेट, तो ठीक है सम टाइगर आर पैरेट अकेला होता तो नहीं बनता, लेकिन सम और नो दोनों केस है। जब भी आपके इस तरह के केस हो, सम क्या हो, जैसे कि सम टाइगर आर पैरेट, जैसे कि पहला स्टेटमेंट था, ये हो और ये हो कि आपका नो टाइगर इज पैरेट, ठीक है, यानी उन्हीं सम और नो दोनों कॉमन हो, बाकी टर्म्स एज इट इज हो, ठीक है, नो टाइगर इज पैरेट। तो अगर इस तरह का केस आप देख रहे हो तो हमेशा सम और नो के केस में आइदर बनता है, ठीक है, यानी आइदर फर्स्ट और थर्ड बनेगा आपका, ठीक है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, सम हॉर्स इज पैरेट, सम हॉर्स इज पैरेट बिल्कुल नहीं, ये रिलेशन नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे आइदर फर्स्ट और थर्ड आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, क्लियर है। क्योंकि देखिए सम और नो का केस हो, हमेशा सेम वैल्यूज हो, तो हमेशा आइदर का केस बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको क्या कह रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट में, ओल्ड लेटर्स आर ब्लैक, यानी सभी के सभी जो लेटर हैं वो क्या है आपके ब्लैक होंगे, यानी सभी के सभी जो लेटर्स हैं वो क्या होंगे आपके ब्लैक होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, सभी के सभी जो लेटर्स हैं वो आपके ब्लैक हैं। अब क्या कह रहा है, ऑल ब्लैक इज ब्लू, यानी सभी के सभी जो ब्लैक हैं वो क्या है आपके ब्लू हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सभी के सभी ब्लैक ब्लू हैं। नो ब्लू इज ग्रीन, यानी कोई भी ब्लू है वो ग्रीन नहीं होगा, तो यहाँ पे उसको मेंशन कर दे कि कोई भी ब्लू है वो ग्रीन नहीं हो सकता, दैट्स इट। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, कंक्लूजन में क्या कह रहा है, नो लेटर इज ग्रीन, कि कोई भी लेटर है वो ग्रीन नहीं हो सकता क्या, ठीक है, यानी नो लेटर इज ग्रीन, तो ये बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओल्ड लेटर्स की बात हुई, यानी सभी के सभी लेटर हैं वो ब्लू में आ चुके हैं ना, सभी के लेटर अगर ब्लैक में आ गए, कंप्लीट ब्लैक ब्लू में आ गए, तो यानी कंप्लीट जो लेटर्स हैं वो ब्लू का हिस्सा है, और कोई भी ब्लू ग्रीन नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ये सही है कि नो लेटर इज ग्रीन। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम ब्लू इज ब्लैक, क्या कुछ ब्लू है वो ब्लैक हो सकता है, तो ऊपर से नीचे आया, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, ये फॉलो करेगा, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो करेगा, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, यहाँ पे क्या कह रहा है, नो टेबल इज वुड, कोई भी टेबल है यहाँ पे वो क्या नहीं है आपकी, वुड नहीं है, यानी नो टेबल इज वुड। अब आगे क्या कह रहा है, सम वुड इज चेयर, कुछ वुड्स हैं वो आपकी चेयर होंगी, तो सम वुड इज चेयर, तो चेयर को सी से डिनोट कर देते हैं। अब क्या क्या, और चेयर्स आर स्टोन, यानी सभी के सभी जो चेयर्स हैं वो क्या होंगे आपके, स्टोन होंगी, तो स्टोन को एस से डिनोट कर देते हैं। अब आगे देखिए कंक्लूजन को ध्यान से देखना, नो स्टोन इज टेबल, कोई भी स्टोन टेबल नहीं है, ठीक है, नो स्टोन इज टेबल, तो ये आपके बिल्कुल गलत होगा। देखिए पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है, हम 100% नहीं कह सकते कि नो स्टोन इज टेबल, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो आपका वुड में आता है ये तो मान लिया कि नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ ये वाला हिस्सा है, ये वाला तो बन सकता है ना, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सम स्टोन्स आर वुड, कुछ स्टोन है वो वुड है क्या, बिल्कुल डेफिनेटली ये वाला हिस्सा तो आपका स्टोन का वुड ही तो है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो मैं आपका यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, तो ये वाला हिस्सा आपका वुड है, तो डेफिनेटली ये फॉलो करेगा, यानी ओनली सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट है तो पूछिए अभी तक। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स आर सिटीज, यानी सभी के सभी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिटीज होंगे, तो यानी ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स आर, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे के सारे क्या आपके सिटीज हैं, ठीक है, सिटीज हैं, तो यहाँ पे आपको सिटी मेंशन कर देते हैं कि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट सिटी हैं। अब आगे क्या कह रहा है, ऑल स्टेट स्टेट्स आर सिटीज, इन जितने भी स्टेट हैं वो सिटी हैं, तो स्टेट को मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ही आना चाहिए ना, तभी पूरा सिटी बनेगा, स्टेट है वो सिटी बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम सिटीज आर कंट्री, यानी कुछ सिटी है वो कंट्री होंगी, तो सिटीज को कर देते हैं यहाँ पे कंट्री, तो सी ओ यू एन टी डिनोट कर देते हैं, ताकि इसको आप समझ पाओ ये कंट्री है, ठीक है, ये बन गया आपका स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट, की कुछ स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट है, देखिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है, कोई भी देखिए रिलेशन नहीं है, तो हम अपने आप नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है, अगर ये क्या होता है इसके अंदर पॉसिबिलिटी है तो डेफिनेटली कर लेते हैं। अब थर्ड सेकंड क्या कह रहा है, सम कंट्रीज आर स्टेट, कि कुछ कंट्री है वो स्टेट है, बिल्कुल नहीं, स्टेट और कंट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं इसको भी क्रॉस कर दूंगा। अब थर्ड क्या कह रहा है, सम डिस्ट्रिक्ट्स आर कंट्री इज ए पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की अगर जहां भी बात हो जाए तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है एक दूसरे के, अगर हम यहाँ पे पास में भी ले आएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बना दूंगा ना, पॉसिबिलिटीज के तौर पे, ठीक है, तो भी इस डायग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है, एज इट इज आप कर सकते हो, ठीक है।
क्लियर है, यानी यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके क्या बन सकते हैं स्टेट, तो इसके स्टेटमेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, यानी कोई भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पॉसिबिलिटी की बात है तो ऐसे भी बन सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है तो डेफिनेटली आपका सही होगा। तो यहाँ पे ओनली थर्ड फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए क्वेश्चन में, सारे के सारे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 3 से 4 मार्क्स के इजिली आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9th की बात करते हैं, सम पेंसिल आर इरेजर, यानी कुछ पेंसिल्स हैं वो क्या है आपकी इरेजर्स हैं, यानी सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, तो मैं उसको ई से डिनोट कर देता हूं। अब आगे क्या कह रहा है वो देखिए कि ऑल पेंसिल इज शार्पनर, यानी सभी की जब ये जो पेंसिल्स हैं वो क्या आपकी शार्पनर है, ठीक है, यानी ऑल पेंसिल्स आर शार्पनर, तो मैं यहाँ पे ऑल पेंसिल्स हैं उसको शार्पनर यानी एस से डिनोट कर देते हैं। अब इसने क्या कहा कि ऑल इरेजर आर नॉट शार्पनर, इससे क्या समझते हो कि सभी के सभी जो इरेजर हैं वो शार्पनर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, जैसे कि ये वाला हिस्सा, क्योंकि पेंसिल का हिस्सा हुआ था ना, तो ये भी होगा। तो इसने कहा था कि ऑल इरेजर्स आर नॉट शार्पनर, यानी पूरा इरेजर है वो शार्पनर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब देखिए कंक्लूजन, ऑल इरेजर्स कैन बी पेंसिबल, पेंसिल कि सारे के सारे इरेजर हैं वो पेंसिल बन सकते हैं क्या, ठीक है, ऑल इरेजर्स कैन बी पेंसिल, तो देखिए यहाँ पे कहीं भी लग रहा है क्या सारे के सारे इरेजर पेंसिल है, बिल्कुल नहीं है। हाँ सम कहता तो डेफिनेटली सही होता था, यानी ये तो जाएगा गलत। अब सेकंड क्या कह रहा है, सम शार्पनर आर इरेजर, कुछ शार्पनर है वो इरेजर होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली ये वाला जो हिस्सा है वो तो शार्पनर का ही है ना, तो सम शार्पनर आर इरेजर डेफिनेटली सही होगा, तो यानी सेकंड फॉलो करेगा यहाँ पे, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10th का आप मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। और बहुत जल्दी आपको टॉपिक वाइज क्लासेस में मिलने वाली है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, यानी कि हर एक टॉपिक से, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ये जितने भी टॉपिक है सारे के सारे आपके लाइव क्लासेस में बिल्कुल एकदम आपके सारे डाउट क्लियर करके ही साथ साथ उनको कवर करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछिए अभी तक, और इसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, और कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच पाए जो अभी भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।